हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ मीशो की हॉल वीडियो। इस बार मैं कोई साड़ी का रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुर्ता सेट, हैवी पार्टी वेयर कुर्ता सेट। मतलब ये एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग कलेक्शन चल रहा था तो मैंने इन सबको बाय किया है। जेन्युइन रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ तो मुझे बहुत अच्छे रिसीव हुए, कुछ मुझे ठीक ठाक ही लगे, तो प्लीज एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा। आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ना कि आप ये परचेस कर सकते हो कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुर्ता सेट से स्टार्ट करते हैं। सारे ही थ्री पीस कुर्ता सेट है और सभी को मैंने एक्सेल साइज में बाय किया है, जो साइज में ट्रू पहनती हूँ। तो ये ऑरेंज और पिंक के कॉम्बिनेशन में आएगा ये कुर्ता सेट, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया गाइस। मतलब जब मैंने मीशो ओपन किया ना, मुझे ये पीस दिखा, मैं सोच रही थी कि प्राइस के हिसाब से ये ठीक ठाक होगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने इसे मंगाया और मैंने इसे जब ओपन किया ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फिटिंग वगैरह इतनी परफेक्ट आई है ना, ये प्यारा सा कुर्ता है। कुर्ते में आपको बांधनी प्रिंट का पूरा पैटर्न मिलेगा, फैब्रिक सिल्क टाइप का है, देख सकते हो आप, शाइनिंग सा फैब्रिक है। तो ये आपको राउंड नेक के साथ मिलेगा और फ्रंट में आपको ये मिलेगा पूरा वर्क, बहुत ही प्यारा सा वर्क किया हुआ है और साथ में आपको फर मिरर्स का वर्क भी मिलेगा। तो ये है नेक का पैटर्न। उसके बाद ये ऑल ओवर कुर्ता ना इस तरीके से प्रिंटेड में आएगा, पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, शाइन बहुत अच्छी दी हुई है कुर्ते में, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है। नीचे की तरफ भी आपको बहुत ही हैवी सा बॉर्डर वर्क मिलेगा, सारा ना सूट में ही वर्क किया है, कोई लेस वर्क नहीं है, पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और नीचे कट वर्क आप देख सकते हैं। कुर्ते में बैक साइड में भी आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, इसका स्लीव्स का पैटर्न आएगा फुल, ये फुल स्लीव्स के साथ मिलेगा और स्लीव में भी आपको बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क ये दे रहे हैं। ये पीस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ट्रू साइज है मेरा और मुझे फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। बैक साइड आएगा ये लुक, इसमें पूरी लाइनिंग आपको अटैच मिलती है, ये नीचे तक शैंटून फैब्रिक की लाइनिंग है, यहाँ तक आपको मिलेगी। पहनने के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा था ये पीस, बिल्कुल भी मुझे नहीं चुभ रहा था, तो इस कुर्ता सेट को आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। इसके साथ मुझे पिंक कलर का ये बॉटम मिला है, सिल्क फैब्रिक का ही, ये स्ट्रेट पैंट आएगा, अंदर आपको पूरी लाइनिंग अटैच मिलेगी, ये शैंटून फैब्रिक की लाइनिंग है, पूरी नीचे तक दी गई है और पैंट की फिटिंग भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है। नीचे की तरफ आपको ये लेस वर्क मिल जाएगा और ये आता है डबल इलास्टिक वाला बॉटम, इसमें कोई भी पॉकेट वगैरह इन्होंने नहीं दिया है, फिटिंग इसकी भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। इसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा रिसीव हुआ है, जिसमें आपको ऑल ओवर ये बूटी वर्क मिलने वाला है और साथ में साइड में ये लेस वर्क मिलेगा, ये चारों साइड पे लगा हुआ है। चौड़ाई थोड़ी सी कम है दुपट्टे की, लेकिन लेंथ ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ता सेट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, अगर आप इसे परचेस करने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो, क्वालिटी वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा पीस है, तो मेरी तरफ से मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट पीस की तरफ चलते हैं और ये कॉटन फैब्रिक का कुर्ता सेट है, ये भी बिल्कुल मैंने अभी लेटेस्ट में ही देखा था तो इसे भी मैंने परचेस कर लिया है और ये थोड़ा सा सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक है, मैंने किसी सेलिब्रिटी को इसे वियर करते हुए देखा था तो उसी का ही थोड़ा सा मैचिंग में ये मिल रहा था तो मैंने इसे बाय कर लिया और इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये फुल कॉटन फैब्रिक का कुर्ता सेट है, इस तरीके का आपको घेर मिलेगा, एक फ्रॉक पैटर्न का आएगा पूरा, ये पूरा प्रिंट बना है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है और बीच बीच में आपको ये लेस वर्क मिलेगा, घेर अच्छी खासी कुर्ते में दी है, ये कुर्ता भी काफी ज्यादा अच्छा है। नीचे की तरफ आपको ये बॉर्डर वर्क मिलेगा। अच्छा, इसमें दो तीन कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक ब्लैक के कॉम्बिनेशन में भी था, मैंने ब्लू और ब्राउन का कॉम्बिनेशन पिक किया है। फ्रंट का आप लुक देख सकते हो, ये अंगरखा पैटर्न का थोड़ा सा जो है स्टाइल दिया हुआ है, ये आता है फ्रंट का लुक, स्लीव्स आएगी इसकी 3/4, बैक साइड आपको इसी तरीके से पूरी प्रिंटेड मिलने वाली है। इसमें भी मैंने अपना एक्सेल साइज ही बाय किया है, इसकी फिटिंग मुझे काफी अच्छी लगी और पहनने के बाद ये बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे। कुर्ता सेट के साथ ये मिला है मुझे बॉटम स्ट्रेट पैंट में और इसमें आपको इस तरीके का प्रिंट मिलेगा, प्योर कॉटन का फैब्रिक है, ये आता है बॉटम का लुक, फुल्ली इलास्टिकेटेड आएगा, इसकी भी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है। दुपट्टे से थोड़ा सा मुझे इशू है क्योंकि दुपट्टे की लेंथ इन्होंने काफी छोटी दे दी है, ये ऑल ओवर प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, इस तरीके का पूरा प्रिंट बना हुआ है,
दुपट्टा 2 मीटर का ही इन्होंने दिया है, थोड़ा सा अगर बढ़ा देते ना इसकी लेंथ तो ये पीस बहुत अच्छा होता, प्राइस के हिसाब से वर्थ इट पीस लगता। अगर दुपट्टे से आपको कोई इशू ना हो तो इस पीस को भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन का स्टफ है और पहनने पे भी इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था, तो ये कुर्ता सेट भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट पीस की तरफ चलते हैं, और इसको मैं काफी टाइम से लेना चाह रही थी, ये शायद आपने किसी वीडियोज में देखा भी होगा, इस बार मैंने इसे बाय किया है। ये ब्लू कलर का कुर्ता सेट है, शरारा पैटर्न का आएगा कुर्ता, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पीस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस, कपड़े की क्वालिटी प्लस इसमें जो वर्क किया है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक इशू ये है ना कि मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रहा है साइज, इसमें मैंने एक्सल बाय किया है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप इस कुर्ता सेट को बाय करना चाहते हो ना तो एक साइज प्लस ही बाय करना, क्योंकि अंदर इसके लाइनिंग भी अटैच है और थोड़ा सा फिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। ट्राई ऑन मैंने शेयर किया है लेकिन बस्ट एरिया से मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रहा था, अदरवाइज कुर्ता सेट A1 है गाइस। दुपट्टा वगैरह बहुत अच्छा इसका रिसीव हुआ है। कुर्ते से ही शुरुआत करते हैं, ये आएगा राउंड नेक के साथ, हर को ये स्लिट मिलेगा और फ्रंट में बहुत ही प्यारा सा गठा हुआ ये कढ़ाई का काम किया हुआ है, बहुत सुंदर ये वर्क किया है। कपड़े का फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, सिल्क में भी ना एकदम अच्छी क्वालिटी का सिल्क फैब्रिक है। स्लीव्स का लुक आप देख सकते हो, इस तरीके से स्लीव्स का लुक आएगा और आगे पीछे पूरा जो है स्लीव्स में ये पूरा जो है कढ़ाई की गई है, और ये आता है कुर्ते का लुक। नीचे की तरफ ये पूरा प्लेन आएगा, ये आता है कुर्ते का लुक अच्छा। और इसकी लेंथ जो है शॉर्ट है, क्योंकि ये शरारा पैटर्न का है तो उन्होंने कुर्ते की लेंथ जो है छोटी रखी है, इतनी ही लेंथ आपको कुर्ते की मिलेगी, और अंदर की तरफ आपको यहाँ तक जो है लाइनिंग मिलेगी शैंटून फैब्रिक की। फैब्रिक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉटम मिला है, फ्लेयर्ड प्लाजोज के साथ मिलेगा आपको, बीच बीच में आपको एक गोटे की लेस लगी हुई मिलेगी, सेम फैब्रिक है जो कुर्ते का है, और फिटिंग इसकी तो बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि ये फ्लेयर्ड प्लाजो है, इससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कुर्ता मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रहा था। डबल इलास्टिक वाला बॉटम आएगा और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, घेर बहुत अच्छी है इसकी, और साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा भी मिला है, और इस कुर्ता सेट के साथ इतना सुंदर सा दुपट्टा भी रिसीव हुआ है। बीच में ये पूरा फॉयल प्रिंट आपको मिलेगा ऑल ओवर दुपट्टे में, दुपट्टे की लेंथ पूरी 2.5 मीटर के आसपास है गाइस, तो आराम से इस पीस को आप परचेस कर सकते हो। चारों साइड पे आपको ये लेस वर्क मिलने वाला है, लुक बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट है ये कुर्ता सेट, तो इस कुर्ता सेट को भी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। लेकिन अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो एक साइज अब ही बाय करिएगा। नेक्स्ट पीस की तरफ चलते हैं, और ये है मरून कलर का कुर्ता सेट, और इसकी फिटिंग भी मुझे ठीक ठाक ही आई। ये जो है नायरा कट पैटर्न में आपको मिलेगा कुर्ता, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको मिलेगी ये वी नेक लाइन, जिसमें आपको ये मिलेगा एम्ब्रॉयडरी का काम, और फ्रंट में आपको बूटी वर्क मिलेगा, ये थोड़ा सा ना नायरा कट पैटर्न में बना हुआ है, लेकिन साइड स्लिट आपको इसमें नहीं मिलेगा। फैब्रिक इसका भी सिल्क में आएगा, इस तरीके का आएगा लुक, लेंथ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। स्लीव्स आएगी 3/4, और स्लीव्स में आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रहा है, बैक साइड भी आपको इसी तरीके से मिलेगी, और उसके बाद इसमें जो लाइनिंग की बात करें तो ये आपको खाली यहाँ तक ही लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलेगी। इसके साथ जो बॉटम रिसीव हुआ है ये सेम फैब्रिक का ही रिसीव हुआ है, और ये आएगा हाफ इलास्टिक वाला बॉटम, बैक साइड पे आपको इलास्टिक मिलेगी, फ्रंट का ये लुक है, बॉटम में कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं दिया है इन्होंने, ये पैंट स्टाइल का बॉटम आएगा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा लूज टाइप का लुक हो जाता है, और नीचे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, बॉटम में आपको पूरी लाइनिंग नीचे तक अटैच मिलेगी। तो ये पीस भी काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये भी आप बाई कर सकते हो। इसके साथ मिला है ये दुपट्टा जो पूरे वर्क के साथ आपको मिलेगा, दोनों साइड पे आपको ये बॉर्डर मिलेगा, सारा जो है कढ़ाई की हुई है, बीच में बूटी वर्क मिलेगा, लेंथ आएगी 2 मीटर के आसपास और चौड़ाई इसकी इतनी ही दी हुई है। कुर्ता सेट भी आप चाहो तो बाय कर सकते हो, एक प्रॉब्लम इसमें ये है ना कि इसका नेक का जो पैटर्न है बहुत ज्यादा शॉर्ट बना हुआ है, मतलब कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, अदरवाइज कुर्ता सेट में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बाय कर सकते हो, ट्राई ऑन आपको साइड में दिख जाएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा था, मुझे बस गला इसका बहुत ज्यादा टाइट लग रहा था। नेक्स्ट पीस की तरफ चलते हैं, और ये मैंने येलो कलर का कुर्ता सेट बाय किया है, पिक्चर में मस्टर्ड कलर शो करा था यही सोच के मैंने इसे बाय किया था, लेकिन ये एकदम
ब्राइट येलो कलर का मुझे रिसीव हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कलर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है जैसा इन्होंने कैटलॉग में दिखाया है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा टाइट है कि मैं इसका ट्राई ऑन भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। साइज मैंने इसमें एक्सेल बाई किया है और ये मुझे बस्ट एरिया से काफी ज्यादा टाइट हो रहा है। तो इसको अगर आप बाई करना चाहते हो तो एक साइज प्लस ही बाई करिएगा, अदरवाइज कुर्ते सेट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। नेक का पैटर्न आएगा, ये राउंड नेक आएगा, बीच में हल्का सा वी कट में स्लिट है और फ्रंट में आपको मिलेगा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क काफी ज्यादा अच्छा है। अलग से पैच लगा हुआ है ये पूरा और इसमें ही आपको पूरा वर्क मिलेगा। बीच में आता है पूरा कुर्ता प्लेन और नीचे की तरफ आपको ये लेस लगी हुई मिलेगी जो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे लगी है। इसकी स्लीव्स आएगी 3/4 और स्लीव्स में आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। कुर्ता सेट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसमें भी आपको अंदर तक लाइनिंग अटैच मिल रही है, पूरी नीचे तक लाइनिंग मिलेगी। बैक साइड आपको पूरा प्लेन मिलेगा और नीचे आपको ये लेस वर्क मिलेगा। बस साइज का इशू है, अदरवाइज कुर्ता सेट काफी ज्यादा अच्छा है। कलर का भी मेन प्रॉब्लम है कि जैसा इन्होंने दिखाया था वो कलर इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ जो बॉटम मिला है ये आएगा फुल्ली इलास्टिकेटेड और ये भी सेम फैब्रिक का ही है, लेकिन इसमें इन्होंने कोई भी लाइनिंग नहीं दी है और बॉटम में ना नीचे की तरफ आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। इसकी फिटिंग मुझे ठीक आई है लेकिन कुर्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और बॉटम में एक साइड पे ना पॉकेट भी मिल रहा है आपको। इसके साथ जो दुपट्टा मिला है ये आएगा फ्लावर प्रिंट के साथ और ये आता है दुपट्टे का लुक। दुपट्टा भी काफी ज्यादा प्यारा है, इस तरीके का दुपट्टे का लुक आएगा। लेंथ तो ठीक है लेकिन चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ मैं, इतना ही आपको चौड़ा मिलेगा और लेस वर्क के साथ मिलेगा। फ्लावर प्रिंट पूरा दुपट्टे में बना हुआ है तो ये पीस भी काफी ज्यादा अच्छा है गाइस, लेकिन साइज का इशू है। अगर आप इसे बाई कर रहे हो ना तो इसमें भी आप एक साइज अपना आप ही बाई करिएगा, अदरवाइज कुर्ता सेट काफी ज्यादा प्यारा है, फैब्रिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। आज का मेरा कुर्ता सेट कलेक्शन, आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप इन सभी कुर्ता सेट को बाई करने की सोच रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किसे आपको बाई करना चाहिए। साइज में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो साइज का भी आपका इशू क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। तो आज की वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, क्योंकि इसी तरीके की और भी हॉल वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।